हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनुभव एजुकेशन वीडियो में। तज दिमाग कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका पहले मैंने जो सूत्रों वाला आपको एक वीडियो बताया था, गणित के महत्वपूर्ण सूत्र पूरे सिलेबस के, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो की लिंक डाल दी है, आप इस वीडियो के बाद जो है उसे देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप गणित में ऑब्जेक्टिव पास करना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काफ़ी सरल है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ठीक है, दिए रहने पर, आपकी बुक में देखिएगा पहला ही प्रश्न है 135 और लगभग में आपको कुछ ऐसा दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, यूक्लिड प्रमेय का में दो धनात्मक पूर्णांक आपको दे दिए जाते हैं। ठीक है, और आपको जो है क्यू और आर जो है ज्ञात करना होता है। ठीक है, आप उनका भाग देते चलते हैं इस प्रकार से, और 135 जो बड़ी संख्या होती है उसको मध्य में लिखते हैं, छोटी संख्या यहाँ पर लिखते हैं, और उसे भाग देते चलते हैं, जिससे जो जब तक कि शून्य नहीं आता है। और शून्य आ जाने के बाद हम कुछ इस प्रकार से उसे बनाते हैं, ए को बाहर लिखेंगे, फिर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। ठीक है, आर इस प्रकार से हम उसे लिखते हैं। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या क्यू और आर है कि जहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ओ बड़ा है आर से, सॉरी शून्य बड़ा है आर से और आर आर से बड़ा है बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बनेगा। अगला है आपका कि 140 को अभाज्य गुणखंडों के रूप में, गुणफल के रूप में तोड़िए। तो 140 को तोड़ना बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम 140 को लिखते हैं। ठीक है, अब इसे दो से भाग देना शुरू करेंगे, तो क्या आएगा, दो सारी 14 जीरो का जीरो। ठीक है, अब दो के बारे में सात आता है क्या, नहीं आता, उससे छोटी संख्या कौन सी आती है, छः लिख देंगे, छः यहाँ पर एक बचा 10, तो कितना आएगा 5। ठीक है, और हम इसे और 5 से कट रहेगा, 5 से कटेगा, सॉरी दो 3 6 आएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा, सॉरी 35 आएगा, थोड़ी सी गलती हो गई। अब यहाँ पर 5 से कट रहेगा, जी हाँ 5 से कट रहा है, 5 के बारे में 35 आता है, कितने नंबर पर आता है, 5 5 7 35। ठीक है, 7 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और आखिरी में ये जो 7 से कट जाएगा और 1 आएगा। ठीक है, तो क्या बचा, दो दो बार आया है। ठीक है, 5 आया है हमारा यहाँ पर, एक बार 7 एक बार आया है, इस प्रकार से हम इसे तोड़ेंगे। अगला है आपका कि दूसरा द्विघात बहुपद, सॉरी बहुपद है सिर्फ, तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का यहाँ पर हमें योग ज्ञात करना है। अब देखिए शून्यकों के योग का क्या सूत्र होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसे, ये थोड़ा घुमाने वाला ऑब्जेक्टिव है। शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस एक्स कौन सा है, यहाँ पर माइनस एक्स का गुणांक कौन सा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स दिया है। ठीक है, तो एक्स का गुणांक क्या है, 7 दिया है, लेकिन हमारे सूत्र में माइनस है, माइनस चाहिए, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगला हमारे सूत्र के नीचे क्या दिया है, एक्स स्क्वेयर का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वेयर का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, तो क्या आएगा हमारा, माइनस 7 बटे 1। अब 1 को तो हम गिनते नहीं, तो इसे हम हटा देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 7, तो यहाँ पर कौन सा लग जाएगा हमारा, सिर्फ 7। अगला आपका एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी के अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी। तो शून्यकों की संख्या मैं आपको बता दूं, केवल दो ही होती है, दो से ज़्यादा शून्यक नहीं होता है। ठीक है, ए और बी, ठीक है, दो ही शून्यक होते हैं, तो यहाँ पर आपका 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारा रिक्त स्थान कि बहुपद एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग। अब इसे भी हम उसी प्रकार से करेंगे, हमारा सूत्र क्या कहता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वेयर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पर देखिए माइनस एक्स का एक्स क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 लिख देंगे, हमारे सूत्र में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 लगा देंगे। 1 को तो हम गिनते नहीं, अगर नीचे 1 आया तो हम उसे गिनते नहीं, ऊपर आता तो गिनते हैं, तो नीचे वाले को हम हटा देंगे, क्या बचेगा हमारा, माइनस 4, तो क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर, माइनस 4। अगला है आपका अध्याय 3 1 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। अब मैंने आपको बताया था कि सूत्रों में कि इन 3 सूत्र बताए थे आपको रेखाओं के लिए, तो वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, a1x b1y और c1 बराबर है 0, a2x b2y और c2 बराबर है 0। यहाँ पर थोड़े प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई निरूपित रेखाओं के प्रतिशत करने का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो क्या है हमारा प्रतिच्छेद करने का, मैंने आपको बताया था प्रतिच्छेद करने के लिए क्या सूत्र होता है हमारा, a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, सूत्रों में आपको बताया था, और इसका कितना हल होता है, 1 हल होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, आपका b वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हमारा, अगला दूसरा है हमारा दो सरल रेखाओं
ठीक है, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो के समांतर होने की शर्त है। अब समांतर होने की शर्त भी मैंने आपको तीन सूत्र दिए, तो तीनों आपको याद कर लेना है इसी चैप्टर में से, उन तीनों सूत्रों में से ही आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, बाहर से नहीं बनेगा, ठीक है, चैप्टर तीन में से। तो देखिए समांतर होने की शर्त क्या कहती है, हमारा ए वन ए टू बराबर हो बी वन बी टू के और बराबर नहीं हो सी वन सी टू के। तो देखिए हमारा तीसरा यही कहता है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला है आपका कि ज्यामितीय रूप से समांतर है क्या, तो समांतर होने के लिए आपको क्या करना है, जो पहली संख्या दी है उसका दुगना देखना है दूसरी में, ठीक है। देखिए दो का दुगना क्या होता है चार, दो दूनी चार, तीन का क्या होता है छः, नौ का क्या होता है अठारह, और चिन्ह भी देख लीजिए बराबर है माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। अगला आपका संपाति रेखाओं के समीकरण के कितने हल होते हैं, तो सूत्र में मैंने आपको बताया था संपाति रेखाओं के अनंत हल होते हैं, ठीक है, कितने हल होते हैं अनंत हल, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा अनंत हल प्राप्त हो गए। अगला देखते हैं हमारा अध्याय पाँच समांतर श्रेणी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पूछा गया है तीन छः नौ का कौन सा पद सत्ताईस है, ठीक है, तीन छः नौ का कौन सा पद सत्ताईस है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहाड़ा है तीन का, तीन तीन दूनी छः आता है, तीन तिया नौ आता है, तो आप सोच सकते हैं कौन सा पद जो है सत्ताईस आ जाएगा, ठीक है, और तीन का पहाड़ा बोलिए नौ नौ बजे तक वहाँ पर आपका सत्ताईस आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका सत्य सत्य लिखिए, आठ छः चार का छठवा पद माइनस दो होता है, सत्य है या असत्य आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आठ छः चार आप ध्यान से देखिए, आठ में से जब इन्होंने दो हटाए तो क्या आया छः, छः में से जब दो हटाए तो क्या आया चार, चार में से जब हम दो हटाएंगे तो क्या आएगा दो, दो में से जब हम दो हटाएंगे तो क्या आएगा जीरो, और जीरो में से जब हम दो हटाएंगे तो संख्या चली जाएगी माइनस में। अब देखिए कितने अंक हुए हमारा, एक दो तीन चार पाँच छः हो गए पूरे, और छठवें पर हमारा क्या आया माइनस दो, और यहाँ पर हमें क्या पूछा है छठवा माइनस दो होता है, तो ये बिल्कुल हमारा राइट है। अगला है आपका सर्वांतर क्या होगा, ठीक है, इस श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा। अब सर्वांतर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो श्रेणी दी हुई होती है समांतर श्रेणी उसके दूसरे पद में से पहले को घटा देना है। अब यहाँ पर दूसरा पद हमें क्या दिया है पाँच बटे दो, पाँच बटे दो मतलब क्या होता है पाँच का आधा, पाँच का आधा क्या आएगा मतलब समझ के चलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा ढाई, दो सही एक बटा दो, और इसमें से हमें आगे वाला संख्या घटाना है यानी दो घटाना है, तो दो से दो हम घटा देंगे क्या बचेगा हमारा आधा, तो यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा आधा। अगला है आपका कि श्रेणी दो सात और बारह का पांचवा पद क्या होगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा दो दो में कितने जोड़े हैं कि सात आया है, या फिर आप सात में से दो को घटा दीजिएगा, सात में से दो को घटाने पर कितना आता है पाँच आता है, और पाँच को बारह, पाँच को बारह में जो मतलब पाँच को सात में जोड़िएगा बारह आता है, और बारह बारह में और पाँच जुड़ेगा और पाँच जुड़ेगा तो बाईस आपका आ जाएगा पाँचवें स्थान पर, ठीक है। अगला आपका त्रिभुज, त्रिभुज में सबसे पहला आपका सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, जिनकी जिनके सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, तो सर्वांशम तो नहीं होते, समरूप होते हैं और रूप में समान होते हैं सिर्फ सिर्फ। अगला आपका सभी समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बिल्कुल ही असत्य है आपका, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज देखिए ये त्रिभुज है मेरा और ये भी जो है एक त्रिभुज है। अब देखिए इसकी भी दो भुजाएं समान है, इसकी भी दो भुजाएं समान है, लेकिन ये आकार में एक जैसे दिख रहेगा नहीं दिख रहे ना, तो इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा असत्य आ जाएगा ये, ठीक है। तो अगला जो है अगला आपका अध्याय सेवन निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा गया है जीरो जीरो तीन जीरो के बीच की दूरी तीन होती है, ये आपको सत्य है या सत्य बताना है, तो बिल्कुल सत्य है क्योंकि अगर आप इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो आखिर में तो तीन ही बचना है ना, तो तीन ही होंगी इसलिए सत्य आ जाएगा आपका, या फिर आप इसे इस सूत्र से निकाल कर देख लीजिएगा, ये सूत्र है आपका बीच की दूरी के निकालने का। अगला है आपका बिंदु दो तीन और चार एक के बीच की दूरी होगी, तो बिंदु दो तीन और बीच के चार की बीच की दूरी यहाँ पर मैंने निकाली हुई है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है यही देखी, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है और मेरा मकसद नहीं है आपको बोर करना, आपको सही शिक्षा देना है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।